पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने किया मतदान। लाल बंगले के सरस्वती विद्यापीठ स्कूल मतदान केंद्र में डाला वोट। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बाद भी किया मतदान। बोले श्री प्रकाश, देश में बदलाव के मकसद से किया मतदान। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान का रण जारी है। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी। सर, आज वोट डाल रहे हैं आप, किस मुद्दों को लेकर? बदलाव, चेंज के मुद्दे को लेकर वोट डाल रहे हैं। सर, देखा जाए तो पिछले 3 दशक से लोकसभा चुनाव, मतलब श्री प्रकाश जायसवाल लगातार, ये पहला चुनाव है जिसमें आप नहीं है मैदान में। इसको आप किस रूप में देखते हैं, अनुभव कैसा देंगे? अरे सब ठीक है, इस समय की बात है। 1999 में जब यहाँ पे भी एक तरह देखा जाए तो कानपुर में भी भाजपा गढ़ कहा जाता था, लेकिन उस गढ़ को आपने कहते किले को ढाया था। आज भी देखा जाए तो रण है, तो क्या क्या देखते हैं आपको, उसमें कुछ समानता नजर आ रही क्या? किले को ढाने का काम इस बार भी होगा। तो ये थे केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो बदलाव को लेके वोट डाल रहे हैं और इसी वजह से कर। हालांकि देखा जाए तो स्वास्थ्य कारणों से दिक्कत है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी संदेश है, उन लोगों को संदेश है जो लोग आज के दिन को छुट्टी मानते हैं, आज के दिन को आराम करने के मानते हैं, वोट डालने जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए नजीर हैं श्री प्रकाश जायसवाल जी कि उम्र का कोई मतलब नहीं और स्वास्थ्य को भी नहीं, लेकिन जरूरी है तो मतदान, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।